हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा यूपी टेट का एग्ज़ाम नियर आ रहा है, तो देखिए हमने यूपी टेट के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उस सीरीज़ में आपको साइकोलॉजी साहिबा मैम डिस्कस कर रहे हैं और मैं जो आपको डिस्कस करूंगा वो रहेगा एनवायरमेंटल स्टडी ईवीएस। ईवीएस के पोर्शन को हम स्टार्ट करेंगे और ईवीएस की पर डे की क्लास में कुछ नया जानेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा जो कंटेंट है आपके लिए यूज़फुल है तो हमारे साथ आप ज़रूर बने रहिएगा और कुछ नया सीखिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर मतलब जो है ईवीएस, बेसिक इन्फॉर्मेशन और ईवीएस की बात करेंगे। तो ईवीएस का सबसे पहला आप ये समझ लीजिए कि ईवीएस क्या होता है। देखिए ईवीएस जो है एनसीईआरटी ने पहले क्या था, ईवीएस से पहले इसे हम जानते थे साइंस और सोशल साइंस और इन सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से हम पढ़ा करते थे। पर ईवीएस को जब इस्टेब्लिश किया तो सीबीएसई ने किया क्या कि सन 2006 के बाद इसे जो है एक जो है पूरा एक सब्जेक्ट का नाम दे दिया, जिसमें के आपको अलग अलग सब्जेक्ट को मिक्स कर कर पढ़ना पड़ता है। जैसे पहले मान लीजिए एक आपके पास साइंस है, दूसरा पॉलिटिकल साइंस है, तीसरा आपके पास इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल स्टडी है, ठीक है। इन सब को मिलाकर आपको अलग अलग पढ़ना पड़ता है सन 2006 से पहले। अब बाद में क्या हुआ, इन सब को मिलाकर मिक्स्ड किया, यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट और है जिसका नाम है ज्योग्राफी। क्यों है ज्योग्राफी, तो इन सब्जेक्ट को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडी। अब ईवीएस, होता क्या है, देखिए ईवीएस का मींस होता है, कि अपने आसपास के होने वाली जितनी घटनाएं होती हैं उन्हें हम स्टडी कर सकें और उन्हें किस तरीके से स्टडी करना है, अलग अलग कैटेगरी के बेस पर उन्हें स्टडी करना है। लाइक मान लीजिए कि आप देखिए, जैसे कि आपने स्टार्ट किया इसे स्टडी करना, एक मान लीजिए कि आपने किया स्टार्ट इसे ज्योग्राफी के रूप में। तो जब ज्योग्राफी के रूप में जब आप स्टार्ट करेंगे इसे, तो ये समझ लीजिए कि ये जो है आपको ज्योग्राफी का मीन्स देने वाला है। तो एक साइड आपको मिलेगा, ठीक है, तो साइड जो रहेगा ज्योग्राफी के चारों ओर के इन्वायरमेंट को आप स्टडी करेंगे तो उसे भी हम क्या कहेंगे, ईवीएस कहेंगे, ठीक है ना। इस तरीके की बातें जो है हमें स्टडी कराती हैं कि किसी के बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम जान लें, उसके नियर बाय अराउंड ऑफ इन्वायरमेंट को जान लें कि क्या है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स आप देख रहे होंगे कि अर्थ पर रहते हैं और अर्थ पर ही इस्टेब्लिश्ड हैं, तो ह्यूमन बींग्स का नेचर अगर हम जाने तो ह्यूमन बींग्स की कैटेगरीज, ह्यूमन बींग्स के रहने का तरीका, ह्यूमन बींग्स कहाँ रहता है, किस तरीके से फसलें करता है, किस जगह पर किस तरीके की फसलें होती हैं, इस चीज़ को जानने को ही हम कहेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट को देखें, ये हिंदी में अगर आप इसे देखेंगे तो ये है पर्यावरण। क्या है, पर्यावरण, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परे प्लस आवरण। अब परे प्लस आवरण का मींस क्या होता है, परे मींस होता है चारों ओर से, परे मींस होता है चारों ओर से, और आवरण मींस होता है घिरा हुआ। पर्यावरण यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ जो नेचर है उसे आप स्टडी करेंगे तो वो आप जो है पर्यावरण की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, पर्यावरण की स्टडी करेंगे। इन्वायरमेंट की बात करूं तो देखिए इन्वायरमेंट की बात करता हूं तो ये जो है एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है, फ्रेंच वर्ड है, और इसका भी मतलब ये है कि इसका मीन्स ये है कि आसपास के एरिया को, यानी कि आप जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के आसपास के एरिया को स्टडी करना ही इन्वायरमेंटल स्टडी कहलाता है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट सीधा सा फंडा समझ लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के नियर बाय आप अगर जाते हैं या स्टडी करते हैं तो उसके चारों ओर के इन्वायरमेंट को आप स्टडी करेंगे। जैसे लाइक मान लीजिए ह्यूमन बींग्स की, या आप एनिमल्स की, या आप किसी की भी कह लीजिए, वर्ड्स की करेंगे तो वर्ड्स के भी इन्वायरमेंट को आप जानेंगे, वर्ड्स के इकोलॉजी सिस्टम को जानेंगे क्या है क्या नहीं, तो वो सारा मटेरियल आपका जो आएगा वो आएगा एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें,
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका कि इन्वायरमेंटल स्टडी का टॉपिक, तो हमने जान लिया कि इन्वायरमेंटल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम देखते थे। अब इसके हम बात करते हैं घटक क्या होते हैं। घटक समझिए फैक्टर के, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर देखिए, फैक्टर होते हैं टू टाइप्स। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं घटक और इन्वायरमेंटल को कहते हैं पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण के घटक कह लीजिए आप इसे, लीजिए पर्यावरण के घटक। ये दो होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल। क्या होते हैं? आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं मानव निर्मित, यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए, मानव निर्मित। दूसरा नेचुरल होते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक की भी बात करेंगे तो इसमें आते हैं दो तरीके के, जैविक और अजैविक। अब जैविक और अजैविक समझ लीजिए क्या होते हैं। जैविक वो होते हैं, जैविक घटक वो होते हैं जिनमें श्वसन क्रिया होती है। क्या होती है? श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया यानी कि आप देखेंगे कि लाइक ह्यूमन विंग्स या एनिमल, या आप जानेंगे कि वो वर्ड प्रोसेस यानी वर्ड के लिए पशु पक्षियों का जीवन, आप यानी कि सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं उनका, यानी कि आप जलीय जीवन को देख लीजिए, स्थल पर जीवन को देख लीजिए, या आप देखेंगे कि वायु में जो जीवन है उसको देख लीजिए। इन सब के मिक्सअप को कहते हैं हम जैविक घटक, यानी जैविक घटक में उसे हम स्टडी करते हैं। दूसरा हम देखेंगे अजैविक घटक। अजैविक घटक में हम जो क्या करेंगे कि इसे हम जो स्टडी करेंगे वो रहेगा, इसमें आप मिलेंगे कि जिनमें श्वसन क्रिया करने की क्षमता नहीं होती, जैसे नदी, पहाड़, इस तरीके की चीजें होती है। नदी, पहाड़, इस तरीके की जो चीजें होंगी उन्हें हम स्टडी करेंगे अजैविक घटक में, तो वो होंगे इसके अंदर। इसमें जो आएंगे वो आएंगे मानव आ जाएंगे, मानव जंतु आ जाएंगे, पशु पक्षी आ जाएंगे, जंतु यानी ये आ गया और यहाँ पक्षी आ जाएंगे, ये इस तरीके के जो इसमें आएंगे। इसमें जो आएंगे वो आएंगे नदी, पहाड़ और आदि, इसमें आ जाएंगे नदी, पहाड़, जो जिनमें श्वसन क्रिया की क्षमता नहीं होगी। और अगर हम आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल में जो आएंगे कि मानव के द्वारा निर्मित, जैसे कि कुर्सी, कुर्सी, मेज और मकान, दुकान, जो भी है आप इसमें ले सकते हैं, जो कि मानव के द्वारा इन्हें निर्मित किया गया हो। तो ये है आपका जैविक और अजैविक घटक। तो आपको ये इजीली समझ आ गए होंगे कि क्या है। तो हम जो है इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए एनवायरनमेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो एनवायरनमेंट में आपको पूरा का पूरा मैं बता देता हूँ, एनवायरनमेंट स्टडी करने के लिए हमें जो मिलता है, सबसे पहले हमें एनवायरनमेंटल की स्टडी करनी होती है। एनवायरनमेंट में हम जब पढ़ते हैं तो एनवायरनमेंट के घटक और घटकों के बारे में आता है। देन उसके बाद हम पारिस्थितिकी तंत्र को करते हैं कि हर एक स्तर पर जीवन क्या है उसको डिस्कस करते हैं। ये होता है हमारा एनवायरनमेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन। देन इसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं वो होता है आपका भूगोल। भूगोल के बाद आपका आता है पॉलिटिकल का हिस्सा थोड़ा सा, जिसमें कि आपको आता है संविधान, संविधान के स्ट्रक्चर पर बात करते हैं और किस धारा में कौन सी चीज आती है उस पर बात करते हैं। तीसरा जो आता है हमारी नेशनल चीजों के बारे में आता है, जैसे राष्ट्रगान है, गंगा है और बहुत सारी चीजें, जनगणमन है, इनके बारे में आता है कि ये किस कब स्टेब्लिश हुए थे, क्या क्या चीजें थी, इन पर भी आता है। देन इसके बाद हम चलेंगे तो थोड़ा सा आपको मिलेगा साइंस के बारे में, साइंस पर आता है डिजीज़ क्या थी, डिजीज़ किससे क्या डिजीज़ होती है, ये आएंगी। और थोड़ा सा डिजीज़ के बाद विटामिन्स के बारे में आएगा कि कौन सी विटामिन किसके लिए होती है। फिर एक लास्ट प्रोसेस आएगा जिसमें डाइजेशन है, डाइजेशन ऑफ साइंस आएगा कि पाचन किस तरीके से होता है, किस चीज़ से कितना पाचन होता है, कौन सी चीज़ कितने यूज़फुल है। देन उसके बाद जो आता है बेसिक मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं आपको बता दूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं इन्वायरमेंट्स में, तो वो आपके आती है, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये ही सिलेबस आपका ईवीएस का है और हम आगे से अपनी सेकेंड क्लास से हम पर्टिकुलर रूप से अपना एक
सिलेबस आपको देंगे और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।